दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत से जोड़कर ही इन तमाम हिंसाओं को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई कदम क्यों नहीं उठाती, लेकिन अगर बात पंजाब की राजनीति की करें तो यहां भी एक नया मोड़ आ चुका है। अगले साल होने वाले चुनाव में अकाली दल ने बीएसपी के साथ उतरने का फैसला किया है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी ऐलान कर दिया गया। पंजाब में तराजू को नया साथी मिल गया है। अब हाथी ने अकाली दल से हाथ मिला लिया है, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर भी मोहर लग गई है। गठबंधन के बाद दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी कठे असी जिहड़ा आउण वाला विधानसभा हलका 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने भी इलेक्शन होणगे असी कठे लड़ांगे। गठबंधन के मुताबिक पंजाब की 20 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 97 सीट पर अकाली दल उम्मीदवार उतारेगा। कभी एनडीए में शामिल रहकर मायावती का विरोध करने वाला अकाली दल अब मायावती को भविष्य की सोच वाला नेता बता रहा है। आप दो परिवार कठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं मायावती जी दा है। जो उन्होंने मैं के जो गल्लां होईयां विचारां होईयां जिवें उन्हां दी सोच है, बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। सुखबीर बादल ने पंजाब को कांग्रेस मुक्त करने का आह्वान किया और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने के लिए भी कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव करीब हैं तो नए नए गठबंधन देखने को आपको मिलेंगे और अकाली दल बीएसपी उसमें कह सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे कई गठबंधन और भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात माया नगरी मुंबई की कर ले। मुंबई में बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बात यह कि पिछले 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की कि अगले दो दिनों में जो बारिश होगी वो मुंबई करों पर भारी पड़ सकती है। स्थिति क्या समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में जबरदस्त बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में ठाणे में 109.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बोरीवली में 132 मिलीमीटर बारिश हुई। टीएमसी में 123.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई एससीजेड में 107 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पालघर में 144.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। आरटीएन में 92.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई और आसपास भारी बारिश की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में दो दिन पहले ही मानसून दाखिल हो चुका है, जिसके चलते पिछले 4-5 दिनों से मुंबई में बारिश हो रही है। आज भी सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है, हालांकि बीच बीच में वो रुक रही है, लेकिन बीच बीच में जोरदार बारिश भी आ रही है। भारी बारिश से मुंबई का बुरा हाल हो गया है। शहर में जगह जगह जलभराव से भारी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में भीषण बारिश का असर हाईवे पर भी देखा गया। अब जरा मुंबई में अंधेरी का हाल देखिए, जहां बारिश ने सरकारी इंतजामों और दावों की पोल खोल कर रख दी है। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो अंधेरी इलाके का अंधेरी सबवे का इलाका है। आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी पूरी तरीके से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। आईएमडी की चेतावनी के बाद बीएमसी ने अगले दो दिनों में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे मुंबई की बारिश होती बहुत फेमस है, लेकिन सिर्फ मुंबई की बारिश फेमस नहीं है, पहाड़ों पर होने वाली बारिश को लेकर भी लोग काफी सहमे हुए से रहते हैं, डरे हुए से रहते हैं। और इसीलिए बात उत्तराखंड की जब करें तो रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें डरा देने वाली है। महज 10 सेकंड में आधा पहाड़ सड़क पर आ गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी लैंडस्लाइड हुआ। एक बार नहीं दो दो बार भूस्खलन होने के कारण NH-44 पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। यातायात कई घंटों तक ठप रहा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए पूरी कहानी। Yeah.
उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ दरकने लगे हैं। रुद्रप्रयाग में पहाड़ गिरने के लाइव वीडियो सामने आए। 10 सेकंड के इस वीडियो में देखिए, लैंडस्लाइड से पहले पहाड़ में थोड़ी सी हलचल होती है, इसके बाद पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ जाता है। भूस्खलन का वीडियो बनाने वाले शख्स की चीख निकल गई। मलबा सड़क पर आने के कारण हाईवे ब्लॉक हो गया, गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। वहीं मलबे की चपेट में आने के कारण कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। रुद्रप्रयाग में बीते 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण नालों ने नदी का रूप ले लिया है। कई घरों के अंदर से नाले बहने लगे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ। पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गिरा। सेरी में सुबह पहाड़ से लैंडस्लाइड होने लगा, जिससे कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा आने के कारण उधमपुर से आने वाली गाड़ियों को भी रोक दिया गया। मलबा हटाने के लिए 4-लेन हाईवे निर्माण कर रही कंपनी की मशीनरी को लगाया गया। हालांकि राजमार्ग पर इतना अधिक मलबा था कि इनको हटाने में कई घंटे लग गए। मलबा हटाने के बाद हाईवे का एक हिस्सा कुछ घंटों के लिए खुला, लेकिन एक बार फिर पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के उस बयान का, जिसे लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है, अब कांग्रेस के गले की हड्डी का फांस बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। घेरते हुए ये कहा कि कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते अब भारत के विरोध में भी उतर आई है। समझाते हैं आपको पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट के वायरल वीडियो पर हंगामा मचा हुआ है। इस ऑडियो में उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हां में हां मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए। तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी। ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला उतर पड़े, जिसमें उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने हमारी भावनाओं को समझा और हम उसका स्वागत करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिग्विजय सिंह जी। ही हैज रियलाइज्ड द सेंटीमेंट्स ऑफ पीपल एज अदर पार्टीज ऑफ द नेशन हु हैव आल्सो स्पोकन अबाउट इट एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. आर्टिकल 370 पर दिग्विजय के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। रविंद्र रैना ने कांग्रेस को पाक की हमदर्द पार्टी बताया। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है जो दिग्विजय सिंह ने जिसको बोला है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की हमदर्द पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों और अलगाववादियों की समर्थक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, अनपढ़ों की जमात को शैल और कंसिडर में फर्क नहीं समझ आता। बीजेपी ने मैनिपुलेशन का काम किया है, ऐसा कुछ नहीं। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, बीजेपी ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी जो आतंकवादियों को लगी और वो अब हम पर हमला कर रहे हैं। ये सब इनका मैनिपुलेशन है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का। और उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है, पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है कि ये अनपढ़ों की जमात है,
जो सेल एंड कंसीडर को समझ नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रही है। अनुच्छेद 370 पर मचे बवाल पर दिग्विजय सिंह की भी सफाई आ गई। क्लब हाउस चैट पर अपना बचाव करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने 370 हटाने के तरीके पर सवाल उठाया था, बीजेपी वालों को अंग्रेजी की समझ नहीं है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का अनुच्छेद 370 पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान पर जबरदस्त हमलावर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर दिग्विजय मामले से ही जुड़ी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह की भूमिका की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि आतंकवादियों और पाकिस्तान से दिग्विजय की सहानुभूति संदेह पैदा करती है। दरअसल दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस के चैट के जो अंश सामने आए हैं उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज दिन भर बीजेपी के अलग अलग नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, संबित पात्रा ही क्यों ना हो, इन्होंने दिग्विजय सिंह को भरसक निशाने पर रखने की कोशिश की। अब चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से तगड़ा सरोकार रखते हैं दिग्विजय सिंह, वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आखिर सहानुभूति की वजह क्या है, यह पता लगना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी में आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सोपोर में आज बड़ा आतंकी हमला हुआ, जहां सीआरपीएफ और पुलिस की पोस्ट को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में आम लोगों की भी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की पोस्ट को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के आरमपुरा इलाके में मिलिटेंट्स ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला अंजाम दिया है और उन पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन पहले ग्रेनेड दागा गया, जिससे वहां जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जिप्सी थी उसमें आग लग गई और इस हमले में जो है 4 लोगों की जान चली गई है। आतंकी हमले में पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक नागरिक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आतंकी हमला आरामपुरा पोस्ट पर हुआ। एक तरफ तो आतंकी हमले में जवान शहीद हुए, वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती अब भी देश के खिलाफ जहर उगल रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की बंदूक से कश्मीर मसला हल नहीं हो सकता। हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिलहाल आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर राजधानी दिल्ली से। घर घर पानी पहुंचाने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल आज खुलती हुई नजर आई। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके के संजय कैंप में पानी को लेकर जबरदस्त हंगामा और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। टैंकर से पानी भरने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पानी से टैंकर चूकी लेना था, लोगों में होड़ सी मच गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह कादयान को घेर कर उनका विरोध भी किया है। पानी के लिए परेशान सैकड़ों लोगों ने 1 घंटे तक विधायक वीरेंद्र सिंह को घेर कर रखा, साथ ही उनके साथ गाली गलौज पर उतारू हो गए। चाणक्यपुर स्थित संजय कैंप के लोग कई किलोमीटर दूर से पानी पीने का भर कर लाते हैं, जबकि इस इलाके में सिर्फ 4 टैंकर से ही पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ के लोगों के लिए ये नाकाफी है। पानी की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार पर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क रहा है। वहीं आप सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें जो है वही कहानी बयां कर रही है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है या फिर सच्चाई क्या। कहते हैं ना श्वेता, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो झूठ कौन बोल रहा है ये जनता मेरे ख्याल से आसानी से तय कर सकती है। और फिलहाल के लिए मेरा राज्य मेरा देश में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।